डियर नेहा, अब तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी अधूरी है, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा जिंदगी को देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया। वैसे तो तुम मेरी गली के पास ही रहती हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहली बार तब देखा जब तुम मीना बाजार में अपने लिए दुपट्टा देख रही थी। तुम्हें देखते ही वो ठंडी है ठंडी हवा चलने लगती थी, और तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने कहा, यही है वो, यही है वो। जब पहली बार मैंने तुम्हारी हंसी देखी तो मेरे मुंह से निकल पड़ा, ओह माय गॉड, मैंने इतनी प्यारी स्माइल कभी नहीं देखी किसी की। उस दिन से तो मैं तुम्हारा चेहरा भूल ही नहीं पा रहा हूं। तब से लेकर अब तक मैं हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं। पता नहीं कि प्यार है या कुछ और, लेकिन जो भी है बड़ा कमाल का है। जब से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से हर वक्त मैं यही सोचता हूं कि कब तुम दिखोगी, कब दर्शन दोगी मुझे, क्योंकि तुम्हारी एक झलक ग्लूकोन डी का काम करती है मेरे लिए। मुझे पता है कि तुम हर मंगलवार और शनिवार को शिव जी के मंदिर जाती हो, और तब से पता नहीं मेरा भी भगवान में आस्था कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जब से तुम्हें देखा है तब से बस यही सोचता हूं कि कब तुम्हारा चेहरा देख पाऊंगा। अगर एक दिन भी तुम्हें ना देख पाऊं तो हर चेहरे में तुम्हें दिखाई देती हो। पता नहीं क्या हो गया है मुझे नेहा, तुम्हें पता है आजकल मैं सुबह जल्दी उठने लगा हूं, खुश रहने लगा हूं, और मेरे घर वाले भी कंफ्यूज हैं कि आखिर इतना कैसे बदल गया हूं मैं। ये तुम्हारा ही असर है, मेरी सुबह तुम्हारे ख्याल से शुरू होती है और रात भी तुम्हारे ख्याल से। हर रात को मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे ख्वाबों में बस तुम आओ, ताकि मैं थोड़ी देर सो पाऊं। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, गोविंद।